ये एक इटली की पार्टी का डिजाइन है और हमने इसे जो है एक्सपोर्ट भी किया है और ये इस टाइम काउ में बनी हुई है। सबसे ज्यादा तो जो इस्तेमाल होता है ना पहनने की जैकेट में होता है शीप, फिर उसके बाद होता है जो बकरी गुड में जो बनती है ना स्वीट वो होती है, और उसके बाद जो होता है फिर काउ का होता है। सबसे पहली बात है कि पनामा सेंटर के अंदर जो है वो आर्टिफिशियल जैकेट की दुकान नहीं है, यहाँ पे सब लेदर की, कोई भी है वो लेदर की बेचेगा। और दूसरी बात है कि इसको जो है हम यानी जो लेटर होता है वो लेटर को जला के अगर हम इस तरह से चेक करेंगे तो अगर रेगजिन होगी तो उसी टाइम से उसी जगह से वो एक होल बन जाएगा, जैकेट को कोई नुकसान नहीं होगा, इसे कोई नुकसान नहीं होगा। ये देखें भाई रियल में बिल्कुल यहाँ पे इसको हीटअप किया जा रहा है मगर लेदर की जैकेट को कुछ नहीं हो रहा, ऐसा ही है सर? वैसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखें, देखिए इसी लेदर में बनती है ये शिप स्किन, इसी में जैकेट बनती है ना। मैं इसमें पानी गिराता हूँ और फिर आप देखेंगे क्या पानी इसके अंदर नीचे जाता है क्या, ये देखे जरा, ठीक है? ये देखे मैंने पूरा गिलास डाल दिया। अब मैंने इसको इस तरह से उठाना है और आप ये चेक करें कि इसके नीचे क्या पानी गिर रहा है। अस्सलाम वालेकुम असलम साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह बरकातहू, अल्लाह का शुक्र है। और अरीना डिजाइन पे आप खड़े हैं, अरीना डिजाइन जो है कराची के अंदर इससे बड़ी आपको जो आउटलेट नहीं मिलेगा, और हर वैरायटी मेरे पास मिलेगी, लेदर जैकेट मिलेगी और ट्राउजर मिलेगा, स्कर्ट मिलेगा और आपका ट्रॉली बैग मिलेगा, लेडीज बैग मिलेंगे, हैंड बैग मिलेंगे, वॉलेट मिलेंगे, जूता यानी शूज मिलेगा, और इसके अलावा बेल्ट मिलेगा आपको, ऑफिस ऑफिस जो है वो बैग मिलेगा आपको। कहीं ऐसा तो नहीं है इतनी आपके पास अच्छी जैकेटें होती है तो उनके रेट भी बहुत ज्यादा हो, लोग यहाँ पे आए नहीं पाए, कहीं ऐसा तो नहीं होगा? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, हमने कुछ एक दो डिजाइन ऐसे भी रखे हुए हैं कि मैं देखता हूँ कस्टमर जो है बहुत से हमारे बेचारे आते हैं लेदर जैकेट के लिए, धोखा भी खा जाते हैं, कभी रेगजन के लिए आते हैं आर्टिफिशियल जैकेट या फिर कोई क्या कहते हैं उससे जो रिफ्रेश होता है उसके लिए आते हैं, तो उसके लिए हमने तीन चार डिजाइन ऐसे बनाए जिसमें हम प्रॉफिट ही रखते हैं, उसके प्राइस मैंने कम रखे हैं ताकि जिसकी रेंज में ना आए वो भी लेदर जैकेट हमसे ले और पहने। देखिए अभी जैकेट जो लगी हुई है ये एक इटली की पार्टी का डिजाइन है और हमने इसे जो है एक्सपोर्ट भी किया है और ये इस टाइम काउ में बनी हुई है और इस टाइम जो है चार कलर में बनी हुई तकरीबन ये, और बड़ी अच्छी क्वालिटी में बना हुआ है। असल में इस जैकेट के अंदर आप ये देखें कि ये काउ में बनी हुई है, ठीक है? अच्छा, काउ के बाद इसको हम कलर तो इसका जो था वो मेहरून था लेकिन ऐसे वैक्स किया है, तो वैक्स के बाद इसके जो है वो नेचुरल पन आ गया इसके अंदर, तो इसकी जो कीमत है वो तकरीबन 15,000 है। ये देखिए ये वो तो थी काउ में ना, ये शीप के अंदर है, ये भी उसी प्रोसीजर से बनी है और वो इस पर भी वैक्स हुआ हुआ है, ठीक है ना? लेकिन उससे तरह 1,000 कम है, ये 14,000 में। लेदर को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो 10 साल भी खराब नहीं होगा, और अगर आप आर्टिफिशियल लेते हैं या रेक्सिन में लेते हैं तो वो 1 साल के बाद यहाँ से बुरादा निकलेगा और जैकेट फिनिश, एक सीजन के बाद वो नहीं चलेगा। इसका रखने का जो तरीका वो मैं पहले भी एक दो वीडियो में बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ कि इस पे आप ऐसा करें इसकी मट्टी वट्टी साफ करने के बाद और पेट्रोल में जाली लें और वो हाथ पे लेकर इस तरह से लगाएं जैसे हम चेहरे पे मलते हैं ना, इस तरह से जैकेट पे मल लें और उसके बाद उसको पैक करके रख दें। 1 साल के बाद भी जब आप जैकेट निकालेंगे तो ऐसे निकलेगी जैसे भी अभी आपने इसी 2 दिन पहले रखी। इस तरह से इस जैकेट को आप 10 साल चला सकते हैं। देखिए जी, लेदर तो हमारा मशहूर है पाकिस्तान का, ठीक है ना? पूरे पाकिस्तान में जो कटती है मतलब गाय है या दुम्बा कटता है या बकरा कटता है तो सबसे ज्यादा जो है वो तकरीबन अपना पंजाब में, कराची में, पिशावर हर जगह से मतलब आता है, और इसके अलावा सऊदी अरब से भी जो है वो इम्पोर्ट होता है। बहुत अच्छा डिजाइन है ये शिप में, ए ग्रेड में बना हुआ, अच्छे वाले मैार में बना हुआ। इसके अलावा देखिए इसी के अंदर ये डिजाइन देखिए आप, इसकी प्राइस देखिए अगर हम वैसे 14,000 में बेचते हैं, ठीक है ना? बाकी आपकी तवज्जो से आएंगे तो हम कुछ कम भी कर देंगे, मसला नहीं। ये लेडीज पर्स है, इसके अलावा ये पर्स है, आप देखिए मेरी दुकान में एक से एक चीज रखी हुई है, लेडीज बैग भी है, वॉलेट भी है और लैपटॉप बैग भी है, आप जरा देखें इसको सब, और बेल्ट भी है हमारे पास। रेंज ये तकरीबन 5,000 से लेकर 10,000 तक, इसमें 5,000 से लेकर 10,000 तक की रेंज में जी। और इसी तरह अगर हम लेडीज पर्स वगैरह की बात करते हैं तो ये किस रेंज में मिल जाएंगे? ये तकरीबन 7,000 से लेकर और तकरीबन 3,000 तक हमारे पास। देखिए इसी लेदर में बनती है ये शिप स्किन, इसी में जैकेट बनती है ना। मैं इसमें पानी गिराता हूँ और फिर आप देखेंगे क्या पानी इसके अंदर नीचे जाता है क्या, ये देखे जरा, ठीक है? ये देखे मैंने पूरा गिलास डाल दिया, ठीक है? और पूरा गिलास डालने के बाद ये देखें, ये देखें,
सही। अब मैंने इसको इस तरह से उठाना है और आप ये चेक करें कि इसके नीचे के पानी गिर रहा है। अब पानी भरा हुआ है देखो सारा से। अब मैं पानी गिरा के फिर आपको वापस दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने सारा पानी गिरा दिया, ठीक है। देखें अभी भी इसमें पानी थोड़ा थोड़ा लग रहा है ना। अब मैं इसकी बैक साइड दिखाता हूँ कि जहाँ आप देखेंगे इसमें पानी नहीं लगा हुआ। ये देखें जी, ये देखें आप, ये ग्रेन है। जब इसमें ग्रेन होता है, इस ग्रेन पे जब कलर होता है, कोई भी कलर हो जाएगा, तो उस पर आप रखने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से आप रखेंगे। तो इसमें अगर हम जब वासीन लगाएंगे इसमें, यानी पेट्रोलियम जेली, तो उसके बाद जैकेट को लपेट के वापस आप रख दें, एक साल के बाद भी ऐसे निकलेगा और 10 साल तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक कपड़ा लें और कपड़ा जो है वो लेके इसकी मट्टी हटाएं, इस तरह से करके पूरी मट्टी वगैरह हट जाएगी, साफ हो जाएगी। तो उसके बाद जो है अपने ये पेट्रोलियम जेली ये आप इस तरह से हाथ में लेंगे, उसको यूं कर लेंगे ऐसे करके करके, और देखो ये लगाएं। आप देखना जहां जहां लग रही है वहां चमक आ रही होगी। देखें आ रही है चमक, ये बिल्कुल चमक आ रही है। अच्छा, इसके बाद आपने ये लगा दिया। अब मैं इस पर ये पूरी जैकेट पे लगा के बता रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आपने ये लगा ली। देखिए जहां जहां मेरा हाथ लग रहा है वहां चमक पैदा हो रही, ठीक है ना। अब ये जो है, इसके बाद आप कपड़ा ले लें कोई कॉटन का, और उसे आपने इस तरह से करना है और बिल्कुल इसी तरह से अलमारी में रख दें, बस अभी खराब नहीं होगी। साल के बाद निकालेंगे ना तो आप समझ लेंगे ऐसी निकलेगी जैसे आपने कल रखी। सिर्फ पेट्रोलियम पेट्रोलियम जेली, जी हाँ। अच्छा, दूसरा पता क्या, आपने जैसे मुझसे पूछा था कि इसके अंदर लॉन्ग कोट, ये देखिए लॉन्ग कोट है, ये आप देखें जरा, ये लॉन्ग कोट है जनाब, हमारे पास लॉन्ग कोट भी है, ये 3/4 है। और इनकी क्या प्राइस रेंज है तकरीबन? इनकी जो रेंज है इनके, एक तो ये जैसे 3/4 है ये तकरीबन 1200 का है, और ये जो लॉन्ग कोट आपने देखा ये तकरीबन 18,000 का है। और इंशाल्लाह आपके तवसुत से आएगा तो इंशाल्लाह हम इसमें जरूर रियायत करेंगे। और इसके अलावा एक कलर और आया, देखिए ये जो आर्टिकल हमारे पास एक नया कलर आया, जैसे हमारी जींस की पैंट होती है सेम उसी पर हमने बनाया, इसे बहुत नया ये। अब मैं आपको बल्कि पहन के भी दिखाता हूँ ना, आप देखें कैसा लग रहा है कलर, नया कलर है ये आर्टिकल हमारा नया है, ये देखें। नहीं ये भी लेदर है, ये भी शिफ स्किन है, लेकिन इसको जो बफ बनाया गया है, इसको जो ना स्ट्रेचर के ऊपर लेके आए ताकि ये खूबसूरत और एक नई चीज लगे। बड़ों के लिए तो है, मैंने बच्चों के लिए भी बहुत कुछ रखा। आप देखिए जितने भी वैरायटी लगी सब बच्चों के लिए रखी हुई, और हमारे पास हर कलर मिलेगा। अगर आप व्हाइट चाहेंगे बच्चों के लिए व्हाइट मिल जाएगी, आप ब्लू कहेंगे ब्लू मिल जाएगी, बहुत कलर मैंने इसके अंदर बनाए। और ये रेड में बना शिप स्किन में, ठीक है। प्राइस एक ही बताऊंगा सिर्फ, सबके 4,000, सबके 4,000, सबके जो भी कलर कौन सा भी डिजाइन ले ले। मेरा एड्रेस ये है पैनोरमा सेंटर सदर कराची, अरीना डिजाइन। अरीना डिजाइन जो है वो तकरीबन ये आप समझ लें कि कराची में इससे बड़ा आउटलेट आपको नहीं मिलेगा। कराची से नहीं बल्कि आप लंदन से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, फ्रांस से, कहीं से भी आप ऑनलाइन मुझसे जैकेट मंगा सकते हैं, मैं आपको जैकेट दूंगा इंशाल्लाह। जो डिजाइन देंगे वही डिजाइन बना के दूंगा आपको।